और यहाँ पे व्हीलचेयर के लिए लगाया गया है, जैसे कि अगर कोई बुजुर्ग हैं चलने में असमर्थ है, यहाँ पे व्हीलचेयर आपको मिल जाएगा। और व्हीलचेयर के लिए मैं बता दूँ आपको, पैसा तो यहाँ पे फैन नहीं, कूलर लगाया गया था, लेकिन फैन भी लगाया जा रहा है। देखिए आप यहाँ पे इतने ऐसे ही कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे फैन लगाए जाएंगे, देख सकते हैं। अभी यहाँ पे फिटिंग हो रही है, देखिए ये फिटिंग कर दिया गया है, लेकिन इसमें जो है अभी ठीक से लगाया, देखिए वहाँ पे देख सकते हैं आप 10,000 देख रहे हैं आप, ये हो रहा है। यहाँ पत्ता वत्ता लग चुके हैं पूरा, ये देखिए इतने बड़े बड़े जो है यहाँ पे डक्ट बनाए गए हैं अंदर की तरफ भी बनाया जाएगा। शायद ये एग्जिट पॉइंट ही बनाया जाएगा कि ऐसे निकाल दिया जाए, वो सीढ़ी वगैरह है, इधर से आएंगे, इधर से निकल जाएंगे, उधर से, मतलब तो तीन तरफ है, जितने भी लॉकर हैं अलग अलग सबका रहेगा, जो जिधर से आए वो उधर से निकल जाए। देखो भाई, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं राम जन्मभूमि पर, पूरा आपको अंदर तक लेकर चलेंगे, जो जहाँ तक ये राम जन्मभूमि पर जाता है उसके अंदर राम मंदिर में अंदर कैसे जाते हैं दर्शन करने के लिए और क्या क्या व्यवस्था अंदर आपको मिलेगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दिखाते हैं आपको। अभी देख सकते हैं दोस्तों, ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये है राम जन्मभूमि पथ, क्योंकि सामने की तरफ आपको ये कैनोपी वगैरह दिखाई दे रही होगी और ये दोनों भव्य गेट यहाँ पे बनाए गए हैं, देखिए। और ये सामने की तरफ यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो ये वाला जो है ये वाला कार्यालय है, जहाँ पे जो है सभी, जैसे आप आरती पास वगैरह लेना चाहते हैं या कोई भी चीज़, अगर आप यहाँ पे पैसे वगैरह डोनेट वगैरह करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और यहीं पे एक सत्य साई करके जो है हॉस्पिटल भी बनाया गया, जहाँ पे 3 बेडों वाला रूम आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके अपनी जो है इलाज भी करवा सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हो जाए। देखिए अभी ये वाला रास्ता आप देख सकते हैं, ये है श्री राम पथ, और श्री राम पथ से ये रास्ता डायरेक्टली आपको शहादत देने लेकर जाएगा, जो कि यहाँ से दूरी होगी लगभग 11 से 12 किलोमीटर। और इधर अगर आप जाएंगे तो इधर आप जा सकते हैं सरजू घाट की तरफ। तो चलिए लेकर चलता हूँ आपको अंदर की तरफ, दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अभी देखिए सामने की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है आपको शुद्ध पेयजल वगैरह पानी वानी पीने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएँ यहाँ पर दी गई हैं, जो कि यहाँ पर लगा दिया गया, अगर आप पानी पीना चाहते हो तो यहाँ पर पी सकते हैं। इसके पीछे आपको बिरला मंदिर, बिरला धर्मशाला, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी अगर आप यहाँ पर आते हैं तो। आप यहाँ पे जो है रहना चाहते हैं तो वो व्यवस्था भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ जो है एरिया लगाया गया है, यहाँ पे आप वेटिंग कर सकते हैं, वेटिंग रूम यहाँ पे ऐसा कुछ बना दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये जितने भी गाड़ियाँ पार्क है, ये ना समझे यहाँ पे जो है पार्किंग की व्यवस्था है, ये सब स्टाफ वाले हैं जो भी अंदर मंदिर के अंदर जो काम करते हैं उन्हीं सबके लिए है। और यहाँ पे देखिए ये बैठने के लिए पूरा आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो है वेटिंग रूम बनाया गया है, देख सकते हैं। देखिए पूरा यहाँ पे जो है काम वर्क हो रहा है, यहाँ ऊपर की तरफ कुछ काम किया जा रहा है, नए नए फैन वगैरह लगाए जा रहे हैं, देखिए आप। तो यहाँ पे फैन नहीं, कूलर लगाया गया था, लेकिन फैन भी लगाया जा रहा है, देखिए आप यहाँ पे इतने ऐसे ही कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे फैन लगाए जाएंगे, देख सकते हैं। अभी यहाँ पे फिटिंग हो रही है, देखिए ये फिटिंग कर दिया गया है, लेकिन इसमें जो है अभी ठीक से लगाया, देखिए वहाँ पे देख सकते हैं आप। चलिए इधर दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये यहाँ पे है हॉस्पिटल, अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको जो है 3 बेडों वाला हॉस्पिटल मिल जाएगा, जो कि सत्य साईं संजीवनी हॉस्पिटल के नाम से है ये जन्मभूमि क्षेत्र। और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह लेडीज जेंट्स सभी, देखिए यहाँ पे पुरुषों के लिए ये पेयजल की व्यवस्था यहाँ पे है। और ये देखिए यहाँ पे काउंटर लगाया गया है, 1, 2, 3, 4, ये इतने काउंटर आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, आरती पास, सुगम पास के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। और यहाँ पे बहुत सारे काउंटर आपको देखने को मिलेंगे, देखिए देख सकते हैं कूलर वगैरह रखा गया है। और यहाँ आप डोनेट वोनेट करना चाहें तो डोनेट भी कर सकते हैं, साफ़ सफाई हमेशा आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, देख लीजिए, मतलब बहुत सारी सुविधाएँ आपको इस जगह पर मिल जाएगी, देख सकते हैं। और अगर आप एंट्री करेंगे दोस्तों तो इधर से करेंगे, देखिए ये वाला, चलिए दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको, ये देखिए एंट्री के लिए ये वाला जो मैंने आपको उधर से दिखाया ये गेट है, इधर से आप अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे कैनोपी वगैरह लगी है कि आप जितने भी लोग यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं उनको धूप वगैरह ना लगे, साफ़ सफाई आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर होती रहती है। और यहाँ पर व्हीलचेयर के लिए लगाया गया है, जैसे कि अगर कोई बुज़ुर्ग हैं चलने में असमर्थ हैं, यहाँ पर व्हीलचेयर आपको मिल जाएगा। और व्हीलचेयर के लिए मैं बता दूं आपको, पैसा तो बिल्कुल नहीं लगता है, और लेकिन जो इसको खींचेंगे
जैसे कि जो लेकर जाते हैं उनको जो है 100 रुपया 150 रुपया देना पड़ता है। देखिए तो चलिए इधर से चलता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। पानी पीने के लिए व्यवस्था यहाँ पे भी दी गई है ना, देख लीजिए। साफ़ सफाई देखिए, बहुत ही गजब की साफ़ सफाई आपको यहाँ पर मिल जाएगी, देख लीजिए आप। ये एग्ज़िट पॉइंट है, यहाँ से लोग वापस आते हैं, और ये वाला देखिए यहाँ से जो है लोग जा सकते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं देखिए भाई, इधर से एंट्री हो जाएगी आपकी अगर कोई आना चाहता है, देख सकते हैं। और चलिए उधर से चलते हैं थोड़ा सा हम, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं भाई। देखिए एक रास्ता ये भी बनाया जा रहा है, अब ये कहाँ के लिए बनाया जा रहा है शायद देखते हैं। अभी तो ये नया, ये अंदर से ही कहीं से आता होगा, ये रास्ता भी खोला गया है, कई रास्ते यहाँ पे खोले जाएंगे भाई। हाँ ये रास्ता आगे हनुमानगढ़ी से होते हुए इधर से आ सकते हैं आप, ये नया रास्ता बनाया गया है। ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं आप, अंदर जो बैरिकेडिंग ये लगाया गया है इसके जो है जरिए से बहुत जितने जैसे भीड़ वगैरह हो जाती थी पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, अब इसके जरिए जो है लोग आराम से दर्शन कर पाते हैं। यहाँ पे देखिए ये सुखदेव किला वाला गेट जो आपको मैं दिखा दूँ, चलिए दिखाता हूँ आपको। और ये देखो भाई मंगलदीप वाले का अगरबत्ती, जब यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था तब से ये लगातार यहाँ पे लगाते रहे हैं। देखिए ये देखिए आप, देखिए ये पूरा जो है सुखदेव किला मंदिर, सुखदेव किला ये अंदर जाने के लिए पूरा व्यवस्था दे रहे हैं, यहाँ से ही आप एंट्री कर सकते हैं। राम मंदिर से आप एग्जिट होंगे तो ये इधर, अंदर जाना चाहें तो इधर से भी आप जा सकते हैं। देखिए भाई लोग वापसी कर रहे हैं, जाते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। देख रहे रखते हैं भाई मंगलदीप वाले, यहाँ पे देखिए भैया हैं हाथ में अपने जो है मंगलदीप की अगरबत्ती लिए हुए हैं, और जहाँ पे ख़त्म हो जाती है अगरबत्ती वहाँ पे दूसरा लगाते हैं तो जल जाती है, बुझी रहती है उसको जलाते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे करते हैं। देखिए ये पूरा कॉरिडोर है यहाँ का, और एक रास्ता ये वाला देख सकते हैं, ये वाला, ये भी आपको हनुमानगढ़ी के बगल से ही निकालता है रास्ता, अगर आप यहाँ पे आना चाहें तो अंदर से भी आ सकते हैं। फिलहाल अभी ये चालू नहीं है रास्ता, अंदर से बैरिकेडिंग लगा हुआ है भाई, ये देखिए देख सकते हैं आप। अभी एक रास्ता आप ये वाला देखेंगे, ये वाला राम जन्मभूमि जो है, ये वाला सुखदेव पथ है, इधर से निकाला गया, अंदर से आप जा सकते हैं सुखदेव मंदिर में, सुखदेव किला में आप दर्शन करने के लिए। और यही रास्ता जो एग्जिट पॉइंट, जब यहाँ पे जो है ज़्यादा भीड़ हो जाती है अंदर की तरफ तो ये वाला रास्ता आपको निकाल देते हैं, आगे से है वहाँ पे रास्ता, वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा। चलिए अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे ये सारी व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगी। देखो भाई ये भी रास्ता कुछ बनाया गया, ऐसे ही रास्ता वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं बहुत ही अच्छे खूबसूरत तरीके से। ये कैनोपी पूरे में लगाया गया है यहाँ पे आप देखेंगे, और आगे वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मैं करके, देखिए वो जो आपको बड़ी सी क्रेन दिखाई दे रही है वहीं पे भगवान राम के मंदिर का जो है जो कार्य चल रहा है अभी बन रहा है वहीं पे है, और वहीं पे लोग दर्शन भी करने जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे मंगलदीप की अगरबत्ती, देखिए भाई गजब। देखिए अभी यहाँ से जो दो रास्ते कट जाते हैं, एक रास्ता ये अंदर से है, जो भी लोग आते हैं अंदर से, ये देखिए यहाँ से दर्शन करके जो भी लोग आ रहे हैं वो जा सकते हैं इधर की तरफ, अगर आप जाना चाहें भक्ति पथ पे जहाँ पे हनुमानगढ़ी दर्शन कर सकते हैं, कनक भवन, जो है दशरथ महल, ये सभी जगह पर अगर जाना चाहें तो इधर से भी जा सकते हैं। और ये देखिए भाई भक्तों की लाइन, मतलब भक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा, तकरीबन 1 लाख लोग अभी भी दर्शन करने आ रहे हैं भगवान राम लगातार, ऐसा नहीं कि राम मंदिर में भक्त आना कम हो गया हो, ऐसा नहीं है, लगातार भक्त यहाँ पे आते रहते हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे डेली के जो है दर्शन करने आते हैं। देखिए और VIP वालों के लिए ये वाला लाइन है, जैसे ये देखिए व्हील चेयर भाई लेकर जा रहे हैं ना, ऐसे VIP वालों के लिए सीधे लाइन है। अगर आपके पास कोई भी सामान आप नहीं ले रखे हैं आपके अपने पास
तो आप सीधे इधर से ही जा सकते हैं आप अंदर दर्शन करने के लिए। देखिए, और एक रास्ता ये वाला जो मैंने बताया, यहाँ से आप जा सकते हैं भक्ति पथ की तरफ, मोबाइल चार्जिंग, जो फ्री चार्जिंग मोबाइल स्टेशन यहाँ पे बनाया गया है। देखिए ये वाला VIP रास्ता है जहाँ से आप जा सकते हैं, VIP लोगों के लिए रास्ता बनाया गया है। और सुगम आरती वगैरह करेंगे तो आपको इधर से ही लेकर जाएंगे लोग। देखिए व्हील चेयर वाले भी इधर से ही जाते हैं, और ये पूरा व्यवस्था देखिए सीधे चले जाएंगे। हम लोग जो अगर जिनके पास सामान वामान हो वो इधर से जाके जो है अपना सामान चेक करा के आगे लॉकर रूम है वहाँ पे अपने मोबाइल वगैरह जमा कराने के बाद में अंदर से जाएंगे। देखिए चलिए लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको। देखो भाई यहाँ पे देखिए ये लोग जो है अपना जो है चेकअप यहीं पे कराएंगे। ये देखो भाई अभी यहाँ पे वर्क चल रहा है, क्योंकि ये जो चेकिंग वाला काउंटर ये बहुत दूर तक वहाँ तक बनाया जाएगा जहाँ तक काम चल रहा है। पूरा देखिए क्या सुंदर नज़ारा है। अंदर आने के बाद में आपको कुछ अलग यहाँ पे जो है रौनक दिखाई देगी। देखिए भाई ये वो वाला जो आप कैनोपी देख रहे हैं वहाँ से अंदर की तरफ एंट्री होती है, अपने जो है सामान वगैरह आप वहाँ पर जमा कराएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए सेल्फी पॉइंट देख सकते हैं आप, ये है सेल्फी पॉइंट यहाँ का। अगर आप सेल्फी वगैरह कराना चाहते हैं तो देखिए आप यहाँ पे करा सकते हैं, क्योंकि अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, यहीं पे आप सेल्फी वगैरह करा सकते हैं भाई। तो देखिए अपने शूज़ वगैरह जमा करने के काउंटर यहाँ पे है, शूज़ वगैरह यहाँ पे आप जमा करा सकते हैं। देखो भाई व्यवस्था देख सकते हैं, साफ सफाई बिल्कुल अच्छे से हो रही है यहाँ पे भाई। देखिए गजब, ये सभी काउंटर हैं हमने शूज़ वगैरह जमा कराने के लिए बहुत दूर तक है भाई। और आई तरफ वहाँ पे देख सकते हैं आप वो उधर वहाँ पे लॉकर रूम है जहाँ पे आप अपने जो है सामान जो भी आप लेकर आए हैं, मोबाइल इलेक्ट्रिक पार्ट जो भी है आपके पास, वो वहाँ पे आप जमा करा सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं आप। और इधर की तरफ जो है एक गेट वगैरह बनाए जा रहे हैं, जो कि एंट्री एग्जिट गेट यहाँ पे बन गया है। देखिए एक यहाँ पे एक वहाँ पे, तीन चार गेट भाई यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। चलिए तो दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ भी जो है आपको जूते चप्पल जमा करने के लिए आप ही देख सकते हैं कौन। देखो भाई यहाँ पे चल रहे हैं वर्क, देख सकते हैं आप। देखो ये वर्क देखो आप, फर्स्ट क्लास वर्क देखिए आप। यहाँ पे साफ सफाई हो गई अंदर से, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए ईंटें ऊँटे जो पत्थर वगैरह जो लगाए जाएंगे ऊपर की तरफ, रखते हैं फ्रेम लगा दिए गए, इसी के ऊपर जो है ये पत्थर लगाए जाते हैं। देखिए आप देख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया। चलिए दिखाता हूँ अंदर की तरफ से। एक सेल्फी पॉइंट यहाँ पे देखिए, भीड़ देखिए भाई सेल्फी खिंचाने के लिए। ये देखो भाई कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। चलिए दिखाता हूँ आपको, देखो वर्क चल रहा है भाई बहुत ही तेज़ी से जो है यहाँ पे वर्क दिखाया जाए। यहाँ पे देखिए लॉकर रूम, अपने जो मोबाइल वगैरह सामान वामान जो है यहीं पर आप जमा करा सकते हैं। देखिए चलिए दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखो यहाँ पे पत्थर वत्थर रखे हुए हैं दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए निर्माण कार्य हो रहा है यहाँ पे, ये बनाया जाएगा शायद, ये एग्जिट पॉइंट ही बनाया जाएगा कि ऐसे निकाल दिया जाए। वो सीढ़ी वगैरह है, इधर से आएंगे इधर से निकल जाएंगे उधर से, तो तीन तरफ है जितने भी लॉकर हैं अलग अलग सबका रहेगा, जो जिधर से आए वो उधर से निकल जाए ऐसा कि। चलिए उधर से दिखा रहा हूँ थोड़ा, ये पोछा ऊँचा लग रहा है भाई, पोछा लगाया जा रहा है वहाँ पर। देखिए गंदे पानी निकाले जा रहे हैं, देखिए देखो भाई जो भी पोछा लगाया जाता है उसका गंदा पानी निचोड़ के एकदम बाहर कर देता है ये मशीन। ऐसे कुछ मशीन यहाँ पर हैं, देखिए ये देखिए वर्क हो रहा है अभी बाहर अंदर की तरफ से वर्क हो रहा है। देखिए सामान वामान रखे हुए यहाँ पे देख सकते हैं आप,
वर्कर ऊपर भी हैं, देखिए देखिए भाई ऊपर ऊपर की तरफ वर्कर हैं खड़े हुए, वहाँ पे ऊपर की तरफ वर्क हो रहा है। चलिए चलते हैं इधर सर, देखिए भाई इधर से देखो, देख रहे हैं आप ये हो रहा है, यहाँ पत्थर वत्थर लग चुके हैं पूरा, ये देखिए इतने बड़े बड़े जो है यहाँ पे जब बनाए गए हैं अंदर की तरफ भी, कि पानी वगैरह भरने ना पाए, बारिश वारिश होती है ना भरने। देखो भाई वर्क आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्लास वर्क हो रहा है, देखिए देखिए आप साफ सफाई आप देखें यहाँ पे, साफ सफाई भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या साफ सफाई। देखिए चिकित्सा के लिए यहाँ पे डॉक्टर वगैरह भी बैठे हुए हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे जो है डॉक्टर भी ले सकते हैं। प्रतीक्षालय आगे कक्ष है, अगर आप अंदर दर्शन करके आए तो वहाँ पे भी इंतज़ार कर सकते हैं। देखिए अपना अगर आप वहाँ जो पीछे की तरफ मैंने दिखाया जहाँ पे अपना सामान आप जमा कराएंगे, यहाँ से आप जो है कलेक्ट कर सकते हैं, अंदर से आएंगे इधर से तो यहीं पर आप अपना सामान कलेक्ट करेंगे। पानी वानी पीने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर है, देखिए यहाँ पानी पी सकते हैं, शौचालय वौचालय हर चीज़ है, लेडीज जेंट। ये देखिए पूरा वेटिंग रूम, ये पूरा वेटिंग रूम है जहाँ से जो है आप वेट वगैरह कर सकते हैं। देखिए आप मोबाइल चार्जिंग वहाँ पे कर सकते हैं आप, देखिए ये देखिए हॉस्पिटल वाला जो है यहाँ पे है, जैसे आप अगर किसी को दिक्कत हो आपके साथ वालों को तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं सर, देखिए देख सकते हैं यहाँ से आप आएँगे जब राम मंदिर में अंदर दर्शन करेंगे तो आप यहाँ से इधर की तरफ आ सकते हैं। ये देखिए भाई ये लोग यहाँ पे वेटिंग कर रहे हैं, हम इधर से बाहर की तरफ चलते हैं, यहाँ फैन वगैरह लगे हुए हैं, एसी वगैरह लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप फर्स्ट क्लास, शौचालय लॉकर हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखिए पानी पीने की व्यवस्था, शौचालय यहाँ पे है, मतलब जितने भी अलग अलग दिए गए हैं, उधर वाला पार्ट अलग है, इधर वाला पार्ट अलग है। देखिए रात में ये गेट बंद हो जाती है, 15 से लेकर 30 लॉकर रूम यहाँ पे है और आगे 15 से आगे वाला उस तरफ है। लिफ्ट लैबी ऊपर की तरफ यहाँ बनाए जाएंगे तो यहाँ पे लिफ्ट विफ्ट लगाया जाएगा, वही दिखा रहा हूँ। चलिए बाहर की तरफ चलते हैं, दिखाते हैं आपको। देखो भाई यहाँ पे कार रुक रहे हैं, वो देखिए बड़ी वाली क्रेन वहाँ पे रख, देख सकते हैं आप उसी के मदद से जो है जितने भी बड़े बड़े पत्थर वगैरह होते हैं वो उठा के ऊपर लेकर जाते हैं। देखो अंदर की तरफ जो वर्क हो रहा है यहाँ पे, देखिए दोस्तों जी देखिए यहाँ से जो मैं आपको दिखाया मैंने जो एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है जो दूसरे वाले तरफ से, जैसे कि आप अगर राम मंदिर में आते दर्शन करने के लिए और कोई त्यौहार वगैरह रहता है तो त्यौहार में क्या होता है भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि ये वाला रास्ता जो बंद कर दिया जाता है, तब इस वाले रास्ते पर क्या होता है केवल आने वाले लोग ही रहते हैं और जाने वाले जो है इधर से, ये देखिए ये बाहर जाने का रास्ता है, इधर से ये एग्जिट पॉइंट बना दिया जाता है। अभी क्या है कि उधर से जो है पूरा कार्य अभी चल रहा है इसका, और यहाँ पर देखिए आप ये वाला रास्ता डायरेक्टली आपको लेकर जाएगा बाहर की तरफ, जो कि यहाँ पे जो है सुग्रीव किला वाला रास्ता जो है सुग्रीव पथ जो बनाया जा रहा है वही वाला ये रास्ता आपको लेकर जाएगा बाहर की तरफ। अगर आप आते हैं यहाँ पे तो एग्जिट पॉइंट ये वाला बाद में बनाया जाएगा, जब यहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो जाती है तब यही वाला आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि सुग्रीव पथ बनाया जा रहा है सेम वही वाला रास्ता ये यहाँ पे लेकर आएगा। चलिए इधर दिखाता हूँ आपको, अब देखिए यहाँ पे वर्क वगैरह हो रहे हैं, कुछ पत्थर वगैरह जो निकल गए थे उसमें जो है पूरा लगाया जा रहा है, देख सकते हैं। अब जब आप अंदर जाते हैं अपने स्लीपर वगैरह जब जमा करते हैं तो आप स्लीपर अपना यहाँ से ले सकते हैं। देखिए वाटर कूलर यहाँ पे रखे हुए हैं लेकिन ये बंद किए गए हैं क्योंकि यहाँ पे जो निर्माण कार्य क्यों चल रहे हैं, देख सकते हैं बगल बगल में जो ये छोटे छोटे नाले बनाए जा रहे हैं उसी की वजह से। देखिए यहाँ पर अपना जो है आपका टोकन मिलेगा, टोकन पर ये नंबर दिख रहे हैं, जैसे आप 18 यहाँ पर लिखा है, 17 लिखा हुआ है, ऐसे आपके टोकन में नंबर रहेगा वहीं पर आप जैसे उधर आप जमा करेंगे तो इधर से आप ले सकते हैं, और कहीं नहीं मिलेगा आपको, उसी पर मिलेगा जो आपके जो टोकन में नंबर रहेगा। चलिए दिखाता हूँ आपको,
देखिए ये सब टॉयलेट टॉयलेट रूम है, आप जो है इसको भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। देखो भाई अंदर देखिए जहाँ पे भी जो है थोड़ा सा अभी जो है चल रहा है अभी निर्माण कार्य आगे की तरफ, जो वहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ से आपकी एंट्री होती है वहाँ पे भी थोड़ा सा निर्माण कार्य अभी चल ही रहा है। पानी पीने के लिए व्यवस्था यहाँ पे देख सकते हैं, तो व्यवस्था यहाँ पे दिए गए हैं, अगर आपको पानी पीना है यहाँ से ले सकते हैं पानी। भाई बंदर से सावधान रहिए, अगर आपके पास कोई प्रसाद वगैरह सामान वामान है तो बिल्कुल सावधान बिल्कुल सावधान रहिए भैया। देखिए अच्छा ये वाला रास्ता आपको हम लेकर चलते हैं, आगे से दिखाते हैं आपको। ये जो आपको लेकर जाने वाला है ये डायरेक्टली लेकर जाएगा आपको भक्ति पथ की तरफ, ठीक है। दिखाता हूँ आपको हमारा राम मंदिर के ऊपर से कैसा दिखाई देता है, यहाँ से ऊपर से कहाँ तक कार्य पहुँचा है राम मंदिर का, पूरा आपको नज़ारा मैं दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगे थोड़ा सा भी तो वीडियो में एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दिखाता हूँ अभी, देखिए दोस्तों ये वाला है एग्जिट पॉइंट अभी तो, ठीक है। और इधर से जो बगल से देखिए यहीं बगल से जो हम जा सकते हैं बाहर की तरफ, जो कि भक्ति पथ वाला रास्ता जो है ये वाला। देखिए लोग इधर से ही आते हैं दर्शन करने के लिए, देखो लोगों ने अपने चप्पल यहाँ पे रख रखे हैं, शायद उनको पता नहीं कि अंदर जो है फ्री में लॉकर रूम बनाया गया जहाँ पे आप चप्पल वगैरह रख सक। देखिए देख लिया, देखिए यहाँ पे पीने के लिए पानी की व्यवस्था की गई है, और यहाँ पे देखिए मोबाइल चार्जिंग वाला जो है यहाँ पे भी लगाया गया है। देखिए तो ये रास्ता आपको लेकर जाना है भाई, महिला शौचालय पूरे शौचालय एक यहाँ पे भी आपको टॉयलेट देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे अपने जो है सामान वगैरह जो जमा करा खर्ची होती है यहाँ पे वीआईपी दर्शन के लिए, वो यहाँ पे अपने सामान वगैरह जमा करा सकते हैं भाई। ये वाला रास्ता देखो, देखो भाई देख सकते हैं सब यहाँ पे जो है बिक रहे हैं सामान, जैसे अपने घर अपन ले जाना चाहते हैं मंदिर जो है राम जी की मूर्ति होती है यहाँ पे आप ले सकते हैं। देखो भाई यहाँ पे देख रहे हैं ये भी चौड़ा किया जा रहा है, ये भी रास्ता बनाया जाएगा डायरेक्टली जो है भक्ति पथ से आप डायरेक्टली राम मंदिर में दर्शन करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पे बनाया जा रहा है। देखिए दुकान वकान यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं, यहाँ पे आप जो प्रसाद वगैरह लेकर जाना चाहें वो भी हो सकता है। फिलहाल मंदिर के अंदर प्रसाद तो नहीं चढ़ता है, लेकिन यहाँ से आप घर पे ले जा सकते हैं, खाने पीने की आइटम यहाँ पे मिल जाएगा आपको। देखिए आपको कंगन वंगन मिल जाएगा, मूर्तियाँ मिल जाएंगी, ठीक है, हर चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा भाई। देख सकते हैं ये लॉकर है, लॉकर यहाँ पे मत लीजिएगा अंदर की तरफ, फ्री लॉकर है, ठीक है। आप यहाँ पे लेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। चलिए दिखाता हूँ आपको अंदर, यहाँ पे देखो भाई ये है हमारा राम मंदिर, जहाँ पे आप जो है फ्री में भोजन कर सकते हैं। 11:30 बजे से लेकर 3 बजे शाम तक जो है यहाँ पे भोजन का टाइम होता है, अभी फिलहाल 4:15 बज रहे हैं तो अब बंद हो गया होगा, ठीक है। यहाँ से आप जो है पर्ची कटाएंगे ये जगह, और इस जगह जाके अंदर आप खाना खा सकते हैं। इधर से दिखाता हूँ आपको, ऊपर से ऊपर चल के दिखाता हूँ आपको कैसा लगता है ऊपर मंदिर, कैसा दिखाई देता है, चलिए दिखाता हूँ आपको। साफ़ सफाई यहाँ पे चल रही है अभी तक, क्योंकि अभी तक यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा थी तो अब साफ़ सफाई चल रही है। खाना वाना खाने के बाद भी देखिए पानी पीने की व्यवस्था है, आप अंदर खाना खाइए, ठंडा पानी आप यहाँ से पी सकते हैं। ये देखो भाई साफ़ सफाई बिल्कुल हो गई है, ये पे बाहर बैठ के जो है लोग खाना खाते हैं। चलिए ऊपर चलता हूँ, दर्शन कराता हूँ आपको राम मंदिर के, कि ये है मावा राम मंदिर, जहाँ पे ऊपर देख सकते हैं सोने का कलश लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। और यहाँ से आगे की तरफ मैं लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको राम जन्मभूमि पथ, वहाँ पे कितने सारे आपको इस समय लोग दिखाई देंगे आपको, जो कि भगवान राम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। चलिए दिखाता हूँ, देखो भाई ये है राम जन्मभूमि पथ, देख सकते हैं आप। और यहाँ से देखिए आप पूरा नज़ारा आपको दिखाया गया है,
ये पूरा राम जन्मभूमि पथ का, यहाँ से भी आपको दिखाई देगा। जो चेकिंग काउंटर है आपको यहाँ से दिखाई देंगे, तो आपको चेकिंग किया जाता है अंदर जाने के लिए कि मोबाइल वोबाइल आप लेकर जाए ना। तो चलिए दिखाता हूँ आपको राम मंदिर ये कितना बन के तैयार हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्योंकि यहीं से दिखाई देता है आपको। ठीक है, सामने तरफ आप देखिए भाई, राम मंदिर का जो है कितना कार्य हो चुका है ये आपको यहाँ से दिखाई देगा। बहुत ही खूबसूरत सेकेंड फेज का वर्क जो चल रहा है ऊपर वाला, देखिए गजब। देखो भाई, जय श्री राम। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतना जो है प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को एक एक छोटी छोटी जानकारियाँ जो भी हमारे हो हमसे हो पाए वो मैं कराऊँ आपको। ठीक है, ये देखिए वर्कर यहाँ पे लगे हुए हैं बिल्कुल ऊपर शिखर पे, देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो में एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।